Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का A77s और इस फोन में आपको फिंगर लॉक लगाना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे फिंगरप्रिंट लॉक आप इस फोन में सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आपको क्या क्या करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए और स्क्रॉल कीजिए नीचे की ओर आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको देखने को मिल रहा होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। सिंपली इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर तो आपको इस फोन में स्क्रीन लॉक सेट करना पड़ेगा। स्क्रीन लॉक पे आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपसे वेट करने के लिए बोलेगा, जिसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लॉक लगाना चाहते हैं या फिर नंबर लॉक लगाना चाहते हैं। जो भी अपने स्क्रीन लॉक के लिए आप सेट करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए यहाँ पर और दो बार जो भी लॉक आप लगाना चाहें यहाँ पर उसको डाल दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए बोलता है। तो यहाँ से पहले कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा वापस आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस फोन में जो आपने स्क्रीन लॉक लगाया था वो यहाँ पर डाल दीजिए, जिसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। सिंपली अब आप जो फिंगरप्रिंट को इस फोन में लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर इस तरह से डाल दीजिए। हमारे फोन का फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा कि आपको इस फोन में फेस लॉक सेट करना है, तो इनरोल पर क्लिक करके फेस लॉक को भी लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो इस पर क्लिक कीजिए और कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये फीचर देखने को मिलते हैं, एक तो ऐप लॉक आप कर सकते हैं फिंगरप्रिंट अपने फिंगरप्रिंट से और यहाँ पे प्राइवेसी सेफ को भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ अनलॉक का एक फीचर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लाइट टच पे सेलेक्टेड है, मतलब अभी आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और जैसे स्क्रीन को आप अनलॉक करेंगे तो आप डायरेक्ट फिंगरप्रिंट पर टच करा के इस तरह से स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते कि ऑलवेज में आपको फिंगरप्रिंट काम करना चाहिए तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपकी स्क्रीन जब ऑन होगी तभी आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये सेटिंग को कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग करना है, अगर आप फिंगरप्रिंट आप फेस से भी अनलॉक करना चाहते हैं तो फेस का भी ऑप्शन नीचे आएगा, अगर फेस लॉक आपने फोन में लगाया होगा तब।